नमस्कार मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 उसके बाद थोड़ा फंडामेंटल सीख लेते हैं। एक्सरसाइज में पहले तो हम फंडामेंटल सीख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए वो कंडीशंस। तो भाई सबसे पहले थ्योरम, थ्योरम 6.3 की बात करेंगे। तो थ्योरम 6.3 में क्या कहता है, वो एंगल एंगल थ्योरम, यानी कि तीन एंगल 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 सिमिलरिटी है। यानी कि वो कैसा, तो उसमें दो ट्रायंगल है, देखो जैसे दो ट्रायंगल है, इसका नाम ए बी सी है, इसका नाम पी क्यू आर है, ए 60, सपोज ए 60 कोई भी रखे, चलो आगे बढ़ते हैं, ए 70, तो ए 50, ए 70, ए 50, तो देखो ए 50 70, तो जो तीनों एंगल सेम है, यानी एंगल एंगल, ये तो आपको समझ में आता ही है सर, ये तो हमको भी समझ में आता है। आगे बात करते हैं थ्योरम 6.4 क्या कहता है, साइड साइड, यानी तीनों तीन साइड सेम होनी चाहिए, सिमिलारिटी, तीनों तीन साइड सेम होनी चाहिए। उसमें ज्यादा मैं कहूंगा नहीं, तीन साइड सेम, बाकी हो गया, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। सब नाइन्थ में आते थे, थ्योरम 6.5, तो साइड एंगल साइड सिमिलारिटी, ये याद रखना है, साइड एंगल साइड थ्योरम, ये भी याद रखना है हमको। आगे बात करते हैं, बस एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज पे आए हैं, एक्सरसाइज 6.3 पे आए हम। याद रखो हम क्वेश्चन 1 में आए, उसमें भी उसमें करना क्या है, विथ सिमिलरिटी क्राइटेरियन आर सेम वो बताना है, विथ सिमिलरिटी क्राइटेरियन आर सेम वो बताना है। अभी देखो भाई, एक एक क्वेश्चन करते हैं उसमें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसी फिगर है, फिगर मैं ड्रॉ करता हूं, ए बी सी 80 60 40। अभी देखो दूसरा भी एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर 60 80 40। अब देख सकते हो अभी करना क्या है, कौन सी सिमिलरिटी, देखो और एंगल है, एंगल पी 60 देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एंगल बी, एंगल क्यू 80, एंगल सी, एंगल आर 40। यानी कि आप देखो तीनों एंगल सेम है, तो कौन से आएंगी, तो आएगा एंगल 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 सिमिलारिटी, एकदम इजी है, एंगल एंगल सिमिलारिटी आएंगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं,
देख लीजिए भैया, ऐसा ही फिगर है। देख लीजिए, ऐसा कुछ फिगर है, अब देख सकते हो। अभी देखो, सबसे छोटा है ए बी, रेशियो लूंगा मैं, ए बी के नीचे आएगा, इसमें सबसे छोटा क्या है, क्यू आर, ए बी क्या है, दो ए फोर वन बाय टू। आगे बात करते हैं ऐसी तरह, इसमें दो के बाद आता है 2.5 बी सी, इसमें क्या आता है, पी आर आता है, बी वन बाय टू। इसी तरह इसमें ए सी पी क्यू थ्री ए सिक्स ए बी वन बाई टू। मेरे को लगता है सब सेम है, सब क्राइटेरियन सेम है, यानी कि इसमें कौन सी क्लियरिटी होंगी, साइड 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 सिमिलारिटी, साइड 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 सिमिलारिटी। रेडी, आगे बात करते हैं भैया, कुछ नहीं है इसमें, थर्ड वन क्वेश्चंस, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एल एम पी 2.7 थ्री टू डी ई एफ। अभी देखो भैया, सबसे छोटा कौन है, दो है एम पी, इसमें छोटा डी, ओके चलो 2/4 ये 1/2 हो जाएगा, चलो नो प्रॉब्लम्स। इसमें एल एम, इससे छोटा ई एफ, कुछ नहीं हो सकता भैया। इसमें देखो एल पी डी एफ 3/6, इसमें देखो तीनों तीन सेम नहीं है भैया, तीनों साइड सेम नहीं है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखो ये दोनों ही सेम है, ओनली ये दोनों ही सेम है, और ये सेम नहीं है, इसका मतलब नॉट सिमिलर। एमसीक्यू में आ सकता है नॉट सिमिलर, कुछ नहीं कर सकते, नॉट सिमिलर। देख लीजिए, एकदम इजी है, आगे बढ़ते हैं, आपको ऐसा नहीं हो सर ने ऐसा नहीं किया, कुछ नहीं है। अच्छी तरह कर देते हैं, आपको मजा आता है क्लीननेस में, क्लीननेस तो होना ही चाहिए। फोर्थ वन, अभी क्वेश्चन वन ही चल रहा है, एक्सरसाइज ही चल रहा है। क्वेश्चन वन फोर्थ ही चल रहा है, अभी देखो भैया,
NML यहाँ 70 2.5 या 5। इसी तरह मैं बात करूंगा QR। अभी देखो इसमें एंगल देखो, पहले साइड देखो, ये 2.5 से सबसे छोटा ये है, इसमें छोटा ये है, चलो 1/2 हो गया। एंगल की बात करें तो एंगल M एंगल Q इज इक्वल टू 70 हो गया, यानी इतना तक तो रेडी है। आगे बात करते हैं दूसरा ML QR 1/2। देखो ए साइड एंगल साइड, ये भी सेम, सब सेम है, नो प्रॉब्लम है। तो क्या है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी है, कोई डाउट नहीं इसमें। फिफ्थ नंबर इस तो किसी तरह का लगता ही नहीं मेरे को, लिख लेते हैं देखो भैया। ओ सिंपल सी बात है, सबसे छोटा है, पर आप देख लीजिए ना। चलो मैं यहां से बात करूं AB, चलो AB के नीचे मैंने इसको बोला, चलो AB के नीचे DF 2.5 ये 5, चलो ये 1/2। A इज इक्वल टू F, चलो वो भी बात सही है, पर यहाँ AC के नीचे क्या आएगा, चलो क्या DF आएगा, ऐसी तो कुछ है ही नहीं, DF ही है 6, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो यहाँ 3 दिया है, यहाँ देना चाहिए एक्चुअली 3, यहाँ होना चाहिए। इसका कहने का है नॉट सिमिलर, तो ये तो गलत वा हो गया भैया, ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, तो इसको हम गलत कहेंगे, ये नॉट सिमिलर है भैया, कुछ टेंशन वाला लेने का नहीं है भैया, सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि इसके बाजू में होता ना 3 तो हो सकता था, पर ये तो देखो ऐसा होना चाहिए साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल व्हाट, साइड एंगल व्हाट, तो ये गलत हुआ है, अच्छी बात नहीं है। तो हम क्वेश्चन 1 में अभी 6-1 की बात करते हैं। आपको पता है ट्रायंगल का जो एडिशन है वो कितना होता है, 180 होता है। चलो अभी मेरे को देखो ट्रायंगल है, मैं एफ की बात करूंगा तो 180 माइनस 70 माइनस 80 तो 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री। इसी तरह मैं पी फाइंड करूंगा तो 180 में 80 माइनस 30 17 70। इसका मतलब वा यहाँ डी तो यहाँ पी, यहाँ ई तो यहाँ क्यू,
रेडिया देख ही सकते हो, जो भी कहो वो भी है एफ आर ओके। तो ये भी बात है, ये कौन सा है एंगल वा एंगल एंगल से मिला है एंगल ट्राइंगल डी सिमिलरिटी की बोले तो यहां पी ई एफ यू आर ये सिमिलरिटी होगी। इसी तरह हम यहां भी कह सकते साइड एंगल साइड में कभी कह सकते हैं, इसमें ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें देखो हम एंगल की बात कर रहे हैं, हम एंगल की बात करें क्यू तो यहां कौन सा है एम एम एल फाइव तो यहां क्यू आर बच्चा क्या क्यू आर पी और यहां क्या बचा एम एल एन, ऐसा भी हो सकता है नो प्रॉब्लम। रेडी टेक 6.3 उसका क्वेश्चन वन हो गया। अभी हम क्वेश्चन टू की बात करेंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा मेरे भैया ओके। तो इसमें हम इरेज कर देते हैं, इरेज करना हमारा काम है। क्वेश्चन टू एक्सरसाइज 6.3 उसमें क्वेश्चन नंबर टू उसकी बात करते हैं। इन फिगर ऐसा दे दिया है ओडीसी ओबीए बीओसी 125 सीडीओ 70 DOC, DCO, OAB, कुछ फिगर भी दिया इतना अच्छा। अभी देख लीजिए इसमें हम कह सकते नहीं और इसमें सिमिलरिटी दे दी है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देख लीजिए भैया पूरा अच्छा तरह सम हम को दिया है। तो सबसे पहले कुछ ऐसा कुछ दिया है डीओसी ए 125 मुझे लगता है कितना होना चाहिए, मेरे को ये चाहिए तो कुछ नहीं है, मेरे को डीओसी चाहिए तो सप्लीमेंट्री एंगल है उसमें से 125 में सब्ट्रैक्शन करूंगा तो कितना आएगा भैया 55 सप्लीमेंट्री एंगल। ओके तो हम कैसा कह सकते हैं बाय सिमिलैरिटी ओडीसी अभी देखो भैया
तो फिर DCO कितना होगा? सेवेंटी। अब ये तो सिक्स DCO कितना हो गया? 55 हो गया। तो बताइए आपको 70 कौन सा एंगल हुआ है? DCO तो कितना होगा? तो भाई ये तो कितना होगा? 65 होगा मेरे ख्याल से। 65 होना ही चाहिए। नहीं भैया, सब्ट्रैक्शन करो पता चल जाएगा। तो ये 65 हो गया भैया। रेडी? तो इतना सारा एंगल नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ गलत हुआ है। अब देख लीजिए एक बार, 55 होना चाहिए। इसका एडिशन करो तो 125 होगा। ये 55 होगा, चलो ये भी अच्छा है, हो गया। स्टेप नंबर 22 में लारिटी और डिस्ची ऐसा कुछ दे दिया है हमको गिवन में, तो हम ऐसा तो कह ही सकते हैं। ऐसा तो कह ही सकते हैं DCO तो सेमी हुआ ना। DCO इज इक्वल टू OAB 55। इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। वो सिमिलरिटी के यूज करके आप अल्टरनेट एंगल भी कह सकते हैं। सिमिलरिटी भी सेम है तो ये भी सेम है, हो गए ना। तो ये भी सेम है, कोई डाउट है इसमें? देख लीजिए सिमिलरिटी का यूज किया मैंने। वो ज्यादा कुछ तो है नहीं। आगे बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं पर उसमें से हमको 15वां करना का है। चलो ये तो इजी हो गया ना। ये सिमिलरिटी है, उसके बेस पे हम कह सकते हैं ये भी दोनों सेम है। किसी को लगता है मेरे को ये अल्टरनेट ए भी कह सकते हैं? नो डाउट, नो प्रॉब्लम। अब हम गलत वा कर देते हैं इसको। क्वेश्चन 15 बहुत अच्छा है। AMP ही है, AMP हम वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो फोर मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड ओके एंड सेम टाइम टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग फाइंड हाइट ऑफ टावर। पहला कितना है वर्टिकल 6 मीटर, शैडो है 4 मीटर। इसी तरह का ले लो ये टावर, सेम टाइम टावर कास्ट 28 मीटर लॉन्ग, सॉरी शैडो 28 मीटर और इसका हाइट वो चाहिए। तो सिंपल से इसके नीचे 6 के नीचे क्या आएगा?
एच हमारा थ्योरम इसका 4 के नीचे 28 और थ्योरम है 6.1 उसका भी यूज कर सकते हैं 7 और टेंशन वा नहीं लेने का कुछ भी एकदम इजी सम है भैया। इसको इधर तो कितना है 42 यहाँ एच ये मीटर में है तो 150 और आंसर इसमें किसी को डाउट होना चाहिए नहीं एकदम इजी है। तो यहाँ तक लेक्चर हुआ लगते हैं एक्सरसाइज खत्म हो गई है। जय हिंद जय भारत।